नमस्कार, मैं आपके साथ सुधा शाह और आप देख रहे हैं 5 मिनट में 25 खबरें। SBI के बाद HDFC बैंक ने लिया फैसला, अब बुजुर्गों पर ज्यादा मुनाफा। हवाई सेवाएं शुरू कराने के लिए भी केंद्र को चाहिए राज्यों की रजामंदी। हिमांशु खुराना का क्वारंटाइन फैशन शो 2020 घर के हॉल में किया कैटवॉक। काला पानी को नेपाल में दिखाने वाले नक्श को किया मनीषा कोराला ने सपोर्ट। बिहार में कोरोना वायरस के 54 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 1572 पहुंची। पीएम मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर प्रोग्राम बना। पीएम मोदी का ट्वीट, आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ के पार। 19 मई को चीन में कोरोना वायरस के 5 नए मामले सामने आए। चीन में फिर फैला कोरोना, 2 शहरों में सख्त लॉकडाउन लागू। चक्रवात अम्फान के कारण ओडिशा में 1 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पे पहुंचाया गया। अमेरिका में कोरोना वायरस से 24 घंटे में 1500 से ज्यादा मौतें। उत्तर प्रदेश के इटावा में ट्रक पिकअप की भिड़ंत, 6 लोगों की मौत। चक्रवात अम्फान ओडिशा के पारदीप में 82 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है हवा। वंदे मातरम मिशन के तहत 167 भारतीय अमेरिका से अमृतसर पहुंचे। तेलंगाना में 42 नए मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित। मध्य प्रदेश के इंदौर में 78 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि। राजस्थान में कोरोना वायरस से 338 नए मामलों की पुष्टि। कांग्रेस कार्यकर्ता करीब 100 बसें लेकर पहुंचे नोएडा। लखनऊ और आगरा में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ केस दर्ज। लॉकडाउन के दौरान राजस्थान सरकार ने मॉल में दफ्तरों को खोलने की दी परमिशन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 24 घंटे में कोरोना वायरस के 5611 मरीजों का पता चला। ये रिश्ता फेम शिवांगी जोशी के दादा का निधन, शेयर किया इमोशनल पोस्ट। लॉकडाउन में सचिन तेंदुलकर का नया अवतार, बेटे का स्वयं बाल काटे। बिहार के क्वारंटाइन सेंटर में अश्लील डांस वीडियो वायरल होने पर जांच का आदेश। कोरोना संकट में खूंखार गैंग बने रॉबिन हुड, गरीबों में बांटे राशन।